देवरिया सोनू घाट चौराहे पर आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 117वीं जयंती मनाई गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया समाजवादी पार्टी के एमएलसी श्याम सुंदर निषाद ने कहा कि चरित्रवान के साथ देश विदेश में भी वो विख्यात थे। ये पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार आदरणीय चौधरी चरण सिंह का 117 वर्ष हो गया जन्म हुए और उन्हीं का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। चौधरी साहब बहुत चरित्रवान और देश नहीं विदेश में भी उनकी ख्याति थी। वो बहुत बड़े अधिवक्ता थे, गाजियाबाद में वकालत करते थे। आज इस देश में सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई इस देश में चरित्रवान नेता हुआ तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह ने भ्रष्टाचार के 100% खिलाफ थे और अपने दल में भी वह नहीं चाहते थे कि किसी तरह का इसमें जो है कोई भ्रष्टाचार पनपे। नतीजा हुआ कि 1974 में मैंने देखा कि उनको टिकट जो बांटे थे दो तीन पदाधिकारियों के कहने पर, तो जब देवरिया में आए तो गौरी बाजार रुद्रपुर और बरहज में जो प्रत्याशी थे जो उनको गुमराह किया था वह मंच से जाकर कहे कि भाई ये भ्रष्ट लोग हैं और इनको मैं ये कहने आएगा इनको चुनाव हरा देना। ये गौरी बाजार में भी कहे, रुद्रपुर में भी कहे और बरहज में भी कहे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मंत्री कृषि मंत्री दीपनाथ मणि थे, उन्होंने 65,000 रुपया वह मिल वालों से उन्हें वसूला था और उस रुपये के विषय में जब थैली भेंट करने गए तो चौधरी साहब ने पूछा कि ये रुपया कहाँ से इकट्ठा किए हो मणि, तो उन्होंने कहा कि मैं मिल वालों से लिया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल जो है रुपया एक एक लौटा देना, ये पूंजीपतियों का पैसा हमको नहीं चाहिए, हम किसानों के हित की बात करते हैं और नहीं तो तुमको जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करूँगा। तो चौधरी साहब का ये चरित्र था। नमस्कार।